हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्टअप लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और पिछले वीडियो में हमने वीबी डिज़ाइन विन स्पीड, K1 प्रोबेबिलिटी फैक्टर, K3 टॉपोग्राफी फैक्टर और K4 इम्पोर्टेंस फैक्टर, वो किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी यहाँ पे हम K2 फैक्टर किस तरीके से फाइंड किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो K2 फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द हाइट, ओके। तो K2 फैक्टर जो है वो हाइट के ऊपर डिपेंड है। तो अगर मैं ये कोड रिफर करूं और डिपेंडिंग ऑन योर यस डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, राइट। सो टेरेन, सबसे पहले आपको कैटेगरी फाइंड आउट करनी है। तो कैटेगरी आप अगर ये आपका कैटेगरी है, सो कैटेगरी 1 है, फिर कैटेगरी 2 है, फिर कैटेगरी 3 है। सो 1, 2, 3, सो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। सो कैटेगरी 3, टेरेन विथ न्यूमेरिस क्लोजली स्पेस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइज ऑफ बिल्डिंग अप टू 10 मीटर हाइट। अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट अप टू 10 मीटर है, विथ और विदाउट आइसोलेटेड टॉल स्ट्रक्चर, और उसमें आइसोलेटेड टॉल स्ट्रक्चर है या तो फिर नहीं है। द इक्विवेलेंट एरोडायनेमिक रफनेस हाइट जेड 0.3, टेरेन इज 0.2 मीटर। सो लेट्स से माय कैटेगरी इज कैटेगरी 3, तो कैटेगरी 3 के लिए और कैटेगरी 4, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी के लिए आपके पास डिफरेंट वैल्यूज है। तो लेट्स से मेरे पास कैटेगरी 4 है, तो टेरेन विथ न्यूमेरस लार्ज हाई क्लोजली स्पेस ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन भी है और हाईली क्लोजली स्पेस भी है, स्पेसिंग मतलब बिल्डिंग्स है, तो जेड 0.4, दैट इज कैटेगरी 4, दैट इज 2 मीटर। सो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, सो राइट नाउ माई कैटेगरी इज 4, सो कैटेगरी 4 मीटर। और डिपेंडिंग ऑन योर हाइट, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अवर 27.9 फीट है, तो दैट इज इक्वल टू अराउंड 8.2 मीटर। सो अप टू 10 मीटर फॉर द कैटेगरी 4, योर K2 फैक्टर इज 0.8। सो अप टू 10 मीटर, और माई हाइट इज एक्चुअली 8.2, बट अप टू 10 मीटर K2 फैक्टर इज 0.80। अभी सपोज मान लो कि आपकी जो हाइट है, लेट अस से वो 25 मीटर है, राइट। सो 25, सो फॉर द 20 मीटर आपका जो K2 है वो 0.8 है, और 30 मीटर के लिए है 0.97। तो आपको 25 मीटर के लिए ये दोनों का इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो वो साइड में मैंने टेबल रखा है, लेट अस से मुझे 20 और 30, और 20 के लिए मेरा K2 फैक्टर है 0.8 और 0.97, और मुझे चाहिए 25 के लिए, तो एक्चुअली 25 यहाँ पे आएगा और 30 यहाँ पे आएगा, यस। सो 20 के लिए यहाँ पे है K2 फैक्टर 0.8, 30 के लिए 0.97, तो 25 के लिए 0.885। तो वो इस तरीके से आप K2 फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमें K2 भी मिल गया है, और K1, K2, K3, K4 और VB भी हमारे पास है, तो डायरेक्टली हम इज इक्वल टू VZ जो है वो VB मल्टीप्लाई K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3 मल्टीप्लाई बाय K4, तो हमें VZ जो है वो हमें मिलेगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि VB जो है हमारा मीटर पर सेकंड में है और बाकी के जो सब फैक्टर है, तो VZ हमें मिला 37.6 मीटर पर सेकंड।